उत्तराखंड को बने 23 साल हो गए, क्या जो चाहा था वो हो गया? अगर वो हुआ तो फिर दर्द की नई कहानी हर बार क्यों बन रही है? उत्तराखंड का ये दर्द ऐसा है जिससे वाकिफ तो हर कोई है। दर्द से छुटकारा दिलाने का वादा तो हर कोई करता है लेकिन कर नहीं पाता। कोरोना काल में उम्मीदें जगी थी, अब सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन कोरोना काल बीता तो फिर से वही दर्द उभर कर सामने आ गया। 23 सालों में उत्तराखंड में कितना विकास हुआ? 23 साल पहले जब उत्तराखंड बना था, जिस आधार पर बना था, क्या वो पूरा हुआ? या फिर 23 साल पहले जैसा था उत्तराखंड, उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गया? वैसे दूर से देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो यही कहेंगे, विकास तो हुआ है। लेकिन विकास के बावजूद एक ऐसी स्थिति अब भी बरकरार है, सबके लिए सरदर्द बना हुआ है, जिससे निजात पाने की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 23 सालों में उत्तराखंड ने कई चुनौतियों से पार पाने के साथ ही विकास के कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, लेकिन एक समस्या का समाधान इन 23 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई है। 23 सालों में उत्तराखंड में कई ऐसे काम हुए हैं जिनको लेकर प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का ढांचागत विकास हुआ है, लेकिन उन कामों के लिए 23 साल का वक्त शायद बहुत ज्यादा है। राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन ही रहा है। ऐसे में सत्ता में रही राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि जिन सिद्धांतों और मुद्दों को पूरा करने की कसम पहली बार सरकार ने खाई थी, वो कसम 23 साल बाद भी अधूरी है। पलायन अब भी बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड के गांव वीरान हैं, खाली पड़े हुए हैं। उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी और उसके कारण हो रहा पलायन आज भी एक प्रमुख मुद्दा है। रोजगार न मिलने के कारण पहाड़ का युवा अपना गांव छोड़ने को मजबूर है। देश के अन्य पहाड़ी राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड में ही हुआ है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में सैकड़ों गाँव है जिन्हें भूतिया गाँव घोषित किया जा चुका है, यानी उन गाँव में आज कोई नहीं रहता है। बीते 23 सालों में तमाम सरकारों ने उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई और उन पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन हकीकत सबके सामने है। स्थिति ये है कि मूलभूत सुविधा के अभाव और रोजगार की तलाश में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को गांव में छोड़कर उत्तराखंड के मैदानी या फिर दूसरे प्रदेशों का रुख कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट पर गौर करें तो उत्तराखंड में हर 5 साल में पलायन बढ़ रहा है। उत्तराखंड के लोगों ने विकास की बड़ी कीमत चुकाई है। टिहरी जैसे बांध के लिए पूरा शहर डुबो दिया गया था। डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों को मैदानी इलाके में बसाया गया। उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक सड़क भी नहीं पहुंची है। वहीं जिन गांव में जब तक सड़क पहुंची तब तक वो पूरी तरह से खाली हो चुके थे। मजे की बात, सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। उत्तराखंड में पलायन की वास्तविक स्थिति जानने और उसे रोकने के लिए पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया था। हालांकि उसके बाद भी हालात कुछ खास नहीं सुधरे। मौजूदा समय में किसी भी सरकार के लिए पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। उत्तराखंड के भूतिया गांव कोरोना काल में आबाद हो गए थे। बड़ी संख्या में लोगों ने रिवर्स पलायन किया था। तब सरकार ने लोगों को गांव में बसाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसका कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया और अपना व्यवसाय भी शुरू किया। लेकिन वक्त के साथ साथ ये योजनाएं धूमिल होती चली गईं और रोजगार के अभाव में फिर से लोगों ने पहाड़ से पलायन किया। इस बात से अंदाजा तो लग गया कि अगर पहाड़ों के गांव में आसपास ही उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलेंगी तो न सिर्फ उत्तराखंड से पलायन करके गए लोग वापस आएंगे बल्कि प्रवासियों को भी वापस आने का एक अवसर मिल सकेगा। साल 2018 की पलायन आयोग की रिपोर्ट पर गौर करें तो उसमें साफ किया गया है कि यदि सरकार पहाड़ों पर रोजगार के अवसर पैदा करे और गांव में मूलभूत सुविधाएं दी जाएं तो पलायन कर चुके 50% लोग वापस आने को तैयार हैं, जिस पर सरकार ने काम भी किया। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम स्टे योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, पशुपालन और कृषि के साथ साथ कौशल विकास से जुड़ी तमाम योजनाएं शुरू की गई ताकि पहाड़ के खाली होते गांव फिर से आबाद हो सके। पलायन आयोग ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, अगर उन पर गंभीरता से काम किया जाए तो पलायन को काफी हद तक रोका जा सकता है। इन सुझाव में ये कहा गया है कि कम से कम 3 साल तक जो गांव पलायन से प्रभावित हैं, उनमें आजीविका विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। जिला अधिकारी और BDO इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं का कार्य बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी धनराशि समय से गांव तक पहुंच रही है या नहीं, उन विभागों में बजट की उपलब्धता रखनी होगी जो विभाग सीधे तौर पर ग्रामीण परिवेश को छूते हैं। उत्तराखंड में पलायन का दर्द समझना हो तो एक बार आंकड़ों पर जरूर ध्यान देना होगा। पलायन आयोग के आंकड़ों पर ध्यान दे तो उत्तराखंड में 3,946 गांवों में से 1,17,981 ग्रामीणों ने पूरी तरह पलायन कर लिया था। हैरानी की बात तो यह है कि साल 2018 में ही 6,338 गांव के 3,83,726 ग्रामीणों ने अस्थायी पलायन भी किया। साल 2022 में 2,067 गांवों में से 28,531 लोगों ने स्थायी पलायन किया है। वहीं 6,436 गांव ऐसे हैं जिनमें से 30,73,101 लोगों ने अस्थायी पलायन किया है।
पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्थायी तौर पर पलायन करने वाले लोग राज्य से बाहर नहीं गए हैं। उन्होंने प्रदेश के मैदानी या फिर शहरी इलाकों में अपना घर बनाया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने सरकारी नौकरी के कारण स्थायी तौर पर पलायन किया है।